चक्रवात मैंडूस के लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चक्रवात मैंडूस तमिलनाडु के मामल्लापुरम तट से टकराया है। लैंडफॉल के बाद शनिवार को एक गहरे अवसाद के बाद मैंडूस कमजोर होने के लिए तैयार है। चक्रवात मैंडूस रियर सेक्टर भूमि में चला गया है और लैंडफॉल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और अगले 2 घंटे के दौरान धीरे धीरे एक गहरे दबाव में और 10 दिसंबर की दोपहर तक एक अवसाद में कमजोर हो जाएगा। ममल्लापुरम में चक्रवात मैंडूस के आने के बाद चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 घंटे में लगभग 65 पेड़ गिर गए और निचले इलाकों में पानी के ठहराव को दूर करने के लिए मोटर पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में दीवारें गिरने से नुकसान की खबरें हैं। तूफान मैंडूस के पहुंचने से पहले ही शुक्रवार को उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई, जबकि राजधानी चेन्नई समेत कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। एहतियातन चेन्नई एयरपोर्ट से 10 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शहर में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात मैंडूस के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। चक्रवात की चेतावनी के बाद पड़ोसी पुडुचेरी में भी शुक्रवार और शनिवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी है। सुरक्षा इंतजाम के लिए 16,000 पुलिस बल और होमगार्ड्स के 1,600 जवानों को राहत बचाव के लिए मुस्तैद किया गया है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित सभी काम बंद हैं। लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। एस बालाचंद्रन DDGM RMC चेन्नई ने कहा है कि चक्रवात मैंडूस तट को पार कर गया है और गहरे अवसाद में है। इसकी ताकत कमजोर हो रही है। यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उत्तर पश्चिम जिलों के क्षेत्रों में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही हैं। यह हवाएं आगे बढ़ेंगी। शाम तक इसकी रफ्तार घटकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी GCC ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे चक्रवात मैंडूस के कमजोर पड़ने तक बाहर निकलने से बचें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान स्टैंड बाई पर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवात मैंडूस को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। चक्रवात की गंभीरता के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र चेपॉक का दौरा किया और निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि प्रकाशम, कडपा और सत्यसाई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। चित्तूर, अन्नामय्या और सत्यसाई जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी तक वर्षा होने की संभावना है और भारी बारिश की भी आशंका है। शनिवार को भी तिरुपति, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिलों में छिटपुट स्थानों पर बारिश रही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।